ओम श्री परमात्मा ने नमः। मैं प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थी अपने परम पूज्य वेद मूर्ति तपोनिष्ठ गुरु जी प्रोफेसर पंडित भगवत शरण शुक्ल जी के साथ में अवस्थी आयुर्वेद एनाटमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। कल हम लोगों ने श्राद्ध के ऊपर चर्चा की थी, अब उसी से संबंधित कुछ प्रश्न बन रहे हैं कि पहला प्रश्न है कि श्राद्ध करने का अधिकार किसको है। नमोस्तनताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुवाहवे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रगण, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के संस्थापक तथा प्रबंधक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, आज का भी विचार श्राद्ध को लेकर के है। श्राद्ध की वैज्ञानिकता और जलदान की वैज्ञानिकता पर कल चर्चा हुई थी। आज हम लोग पहले ये जानने का प्रयास करेंगे कि श्राद्ध कौन कर सकता है, क्योंकि श्राद्ध या कोई भी कार्य है जब उसको कोई योग्य व्यक्ति उसको संपादित करता है तभी उसका महत्व बनता है। इसलिए सनातन पद्धति में अधिकारी का विवेचन हमेशा होता है, इस कार्य को कौन कर सकता है। और प्रायः हम लोग व्यवहार जगत में ही देखते हैं कि हर काम हम हर व्यक्ति को नहीं सौंपते हैं, जिसको हम समझते हैं इस कार्य को सही ढंग से संपादित कर सकता है उसी को वो कार्य हम देख देते हैं। और इसीलिए आज जितने भी प्रोफेसर हैं या आचार्यगण हैं तो जिस विषय के वो विशेषज्ञ होते हैं वही कार्य उनको दिया जाता है। तो अधिकारी का भी एक विवेचन का एक स्वरूप है कि कौन व्यक्ति इस कार्य का संपादन करेगा। तो श्राद्ध के संपादन के लिए जो सबसे मुख्य जो उसका अधिकार का क्षेत्र है उस व्यक्ति को जो है उसके पिता जब नहीं होंगे तभी उसका अधिकारी हो सकता है, क्योंकि श्राद्ध वही करता है जो घर का ऐसा व्यक्ति हो जो सबसे बड़ा हो और विशेष करके पिता ना हो। पिता के रहने तक उसको श्राद्ध का अधिकार नहीं होता है। दूसरे क्या हो कि वो अपकर्म करने वाला ना हो, अर्थात चोरी है, जुआरी है, जुआरी होना या शराब पीना है या मद्यमान समदिरा का भक्षण करने वाला व्यक्ति है, अपकर्म करने वाला, हत्या करने वाला व्यक्ति है, ऐसा वो श्राद्ध का अधिकारी नहीं होता। तो वो भी आवश्यक है कि आपकी सात्विक प्रवृत्ति हो। और तीसरा जो अधिकार का क्षेत्र है वो है इसका नाम चूंकि श्राद्ध है तो जिसके अत्यंत श्रद्धा हो, समाज के दबाव से, केवल लोगों के अधिक दबाव से या प्रेरणा से श्राद्ध नहीं हो सकता है। तो श्राद्ध की प्रक्रिया तो करेगा किंतु उसका मन नहीं लगेगा। और इसीलिए आज हम देखते हैं कि बहुत से लोग श्राद्ध करने से भागते हैं, क्यों? श्रद्धा ही नहीं। श्रद्धया निर्वृत्तम श्राद्धम, जो श्रद्धा से जिसको किया जा सके वही श्राद्ध है, क्योंकि उसकी जो प्रक्रिया जो जटिल है और उबाऊ प्रक्रिया है, लोग उसका मन नहीं लगता है, क्योंकि किसी प्रकार का मनोरंजन तो उसमें होता नहीं है। पूरा शास्त्रीय विधि है, अनेक प्रकार की प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, तो हर व्यक्ति को श्रद्धा नहीं हो सकती। तो श्रद्धा जिसको वही श्राद्ध कर सकता है। तो प्रश्न ये उठता है कि अगर उसको श्रद्धा नहीं है और तो वो श्राद्ध नहीं करेगा तो इस तरह से तो उसके जो प्रक्रिया श्राद्ध की है वो लुप्त तो हो जाएगी। तो ऐसी अवस्था में हमें क्या करना चाहिए? तो ऐसे अवस्था में वही है कि जैसे कोई घर का बच्चा है
और उसका किसी कार्य विशेष में मन नहीं लगता है, तो धीरे 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 उसको समझा करके उसका उचित उद्देश्य के विषय में उसको अवगत करा करके उसके अंदर श्रद्धा उत्पन्न की जा सकती है और ऐसी अवस्था में उसका श्राद्ध करने के मन लगता है। दूसरा यह है कि जो अपकर्म करने वाला व्यक्ति है, चोरी करने वाला है, व्यभिचारी है, अगर उससे हमको श्राद्ध प्रक्रिया करानी है तो कैसे करना होगा? तो सबसे पहले तो यह है कि अगर उसको छोड़ने के लिए राजी हो, अगर वो नहीं होता है उसके लिए करने के लिए, तो किसी उचित ब्राह्मण के अपना प्रतिनिधि बना करके श्राद्ध कर्म कर सकता है। जैसे मान लीजिए कौ व्यक्ति है, वो अत्यंत पापनिष्ठ व्यक्ति है, किंतु कहने बताने से लोगों के उसके अंदर श्रद्धा हुई, परंतु वो करने के लिए उपयुक्त पात्र नहीं है, तो ऐसी अवस्था में किसी ब्राह्मण के द्वारा जो संध्या वंदना आदि कर्म करता हो, विद्वान हो, सत्पात्र ब्राह्मण के द्वारा उस क्रिया को कराया जा सकता है, तो उसका पूरा लाभ प्राप्त होगा। इसी तरह कोई अगर किसी के घर में पुरुष नहीं है, क्योंकि स्त्री को श्राद्ध करने का अधिकार दूसरे रूप में है, ऐसे उसकी हम चर्चा करेंगे, तो पुरुष श्राद्ध कर सकता है। दूसरी प्रक्रिया क्या, उसको भी बता ही देते हैं। श्राद्ध में दो कार्य होते हैं, पिंडदान होता है और ब्राह्मण भोजन होता है। ब्राह्मण भोजन का जो स्वरूप है वो भी द्वितीय पिंड जैसे ही है, इसलिए ब्राह्मण जो भोजन करते हैं वस्तुतः पिंड का ही भक्षण करते हैं, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है। इसलिए बहुत से ब्राह्मण श्राद्ध भोजन करने नहीं जाते हैं, उसका कारण उसको प्रायश्चित करना पड़ता है, और प्रायश्चित के विधान में भी है कि अगर कोई ब्राह्मण अगर वो जाता है श्राद्ध में भोजन करने के लिए, तो 1000 गायत्री का जप करने से उसका तत्व संबंधी दोष दूर होता है, तो इस तरह से है। और जो नहीं करता है तो उसकी बुद्धि और स्मरण शक्ति का ह्रास होता है, ऐसा देखा जाता है, प्रश्न में भी देखा गया है। तो इसलिए ये भी आवश्यक है, अगर परंतु अगर यह है कि सब ब्राह्मण सोच लेंगे कि हम नहीं जाएंगे श्राद्ध में भोजन करने के लिए, तो फिर भोजन कौन करेगा? जब भोजन नहीं करेंगे तो श्राद्ध की प्रक्रिया वो अधूरी रह जाएगी, तो ब्राह्मणों को श्राद्ध में भोजन करके करने जाना चाहिए, किंतु उसके बाद 1000 कम से कम गायत्री जप करने से उसका प्रायश्चित दूर होता है। तो इस तरह से स्त्री भी अगर अकेले, हमारे कोई पुरुष उसके घर में नहीं है, तो ब्राह्मण द्वारा वो भी श्राद्ध करा सकती है। ये श्राद्ध प्रक्रिया के अधिकारी का विवेचन शास्त्रों में बताया गया है। और एक प्रक्रिया ये देखी जाती है कि श्राद्ध करना है और घर के कई सदस्य हैं, जैसे कोई व्यक्ति है, दो भाई है, तीन भाई है, चार भाई है, पांच भाई है, छह भाई है, तो उसमें श्राद्ध का अधिकारी कौन होगा? तो उसमें नियमतः अगर एक साथ सब कोई रहते हैं तो उसमें जो ज्येष्ठ है उसको श्राद्ध का अधिकार होता है, और अगर किसी कारणवश ज्येष्ठ उस कार्य का विधान नहीं कर सकता है तो कनिष्ठ उसका अधिकारी हो सकता है, परंतु किसी कारणवश ज्येष्ठ और कनिष्ठ दोनों नहीं कर सकते हैं तो द्वितीय पुत्र, तृतीय पुत्र आदि जो है वो भी उसके अधिकारी हो सकते हैं, इसका क्रम का विवेचन शास्त्रों में है। तीसरा जो एक प्रश्न और उठता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है घर में, उसके पिता जीवित है, किंतु पिता में इतना सामर्थ्य नहीं है, शारीरिक सामर्थ्य, कि श्राद्धादि विधान को कर सके, तो ऐसे अवस्था में श्राद्ध का विचार कैसे होगा, कौन श्राद्ध करेगा? तो ऐसे अवस्था में कहा गया है कि पिता अगर जो है वो अस्वस्थ है, श्राद्ध करने का उसके पास सामर्थ्य नहीं है, तो ऐसी अवस्था में वो पुत्र के द्वारा श्राद्ध करा सकता है, पुत्र को आदेश दे सकता है, ऐसी अवस्था में है। उसमें कहा गया है कि वृद्धो तीर्थे च सन्यस्ते ताते च पतिते सति एव पिता दद्या देवो दद्या स्वयं सुता। उसमें कहा गया है कि अगर अत्यंत वृद्ध हो गया है पिता, या तीर्थ में निवास करने लगा है, अर्थात वानप्रस्थ को प्राप्त हो गया, अथवा सन्यास धारण कर लिया, अथवा जो है वो अत्यंत पतित हो गया है, तो इन अवस्थाओं में
पिता के स्थान पर स्वयं पुत्र जो है वो पिंडदान कर सकता है, अर्थात श्राद्ध क्रिया को कर सकता है, ये शास्त्र में विधान है। परंतु अगर किसी का पिता जीवित है तो उसको ये श्राद्ध नहीं करना चाहिए। दर्श श्राद्धम, गया श्राद्धम, श्राद्धम चापर पाक्षिकम, न जीवित पितृ का कुरिया तिलस तर्पण में बच्चो, तो वो तर्पण भी नहीं कर सकता है, क्योंकि तर्पण का भी अधिकार उसी को है जिसका पिता जीवित नहीं है। इसलिए जीवित पुत्र जो है वो दर्श श्राद्ध को भी नहीं कर सकता है, गया श्राद्ध को भी नहीं कर सकता, और जितने भी पाक्षिक श्राद्ध है अर्थात जो मृत होने पर जो श्राद्ध किए जाते हैं उनमें नहीं कर सकता है। अब एक स्थिति यह होती है कि अगर किसी का नाना है वो खत्म हो गया, संयोग से उसके माँ को कोई भाई नहीं है, और वह नाना या नानी खत्म हो गए, तो ऐसी अवस्था में उनका श्राद्ध कौन करेगा? दौहित्र है अर्थात लड़की का लड़का है उस श्राद्ध करने का अधिकारी होता है, किंतु उसके पिता जीवित हैं, पिता जीवित होने कारण वो कैसे करेगा उसका श्राद्ध? एक ये भी बहुत से प्रश्न हम लोगों के समक्ष आते हैं इस तरह के। तो ऐसी अवस्था में पिता से आज्ञा प्राप्त करके या ब्राह्मण वचन से वो जो है श्राद्ध कर सकता है, क्योंकि उसका अधिकार बनता है, और जो पितादि का श्राद्ध नहीं कर सकता है, परंतु वो पिता महादि का श्राद्ध करने का अधिकारी वो बन सकता है, अगर पिता जो पिता माता मह इत्यादि का, क्योंकि माता मह अगर जीवित नहीं है या उनका तुरंत देहावसान हुआ तो ऐसी अवस्था में माता मह का श्राद्ध कर सकता है, किंतु पितृ पितामह पर पितामह इत्यादि का श्राद्ध नहीं कर सकता है। तो ये अनेक अधिकार की व्यवस्था है जिसका संक्षेप में हमने आप सबके सामने रखा, और फिर कभी इस विषय पर विशद गुरु जी इसमें कुछ शंकाएं उत्पन्न हो रही हैं। हाँ। एक तो आपने अभी जैसे बताया कि पुत्र कर सकते हैं, तो अगर चार पुत्र हैं तो जो वार्षिक श्राद्ध होते हैं तो क्या वो चारों अगर अलग रह रहे हैं चारों घरों में करेंगे या उसमें भी एक ही घर में होगा, ये स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं कि नहीं? बता रहे हैं उसके विषय में भी आपका ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि अगर तीन भाई हैं या चार भाई हैं या पांच है, माने एक से अधिक भाई हैं, तो उस अवस्था में जो सामान्य श्राद्ध है वो दो श्राद्ध होते हैं। श्राद्ध की प्रक्रिया में यदि इसकी हम चर्चा करते तो एक होता है मृत्यु तिथि का श्राद्ध, जिसको हम जो है वार्षिक श्राद्ध भी उसको हम कहते हैं, और दूसरा होता है पार्वण श्राद्ध, जिसका इस समय जो है वो अवसर चल रहा है, अर्थात उत्तर भारत के हिसाब से आश्विन कृष्ण पक्ष और दक्षिण भारत के हिसाब से भाद्रपद कृष्ण पक्ष ये माना जाता है, क्योंकि दक्षिण भारत में जो मासांत प्रक्रिया है वो अमावस्या को अंत मानते हैं और प्रारंभ शुक्ल पक्ष से करते हैं, तो इनके यहाँ इस समय भाद्रपद कृष्ण पक्ष चल रहा है, और हमारा जो उत्तर भारत है उसके अनुसार उत्तर भारत में कृष्ण पक्ष से मास का प्रारंभ करते हैं और पौर्णवासी को जो है वो मास का अंत मानते हैं, तो उस आधार पर इस समय जो है वो आश्विन कृष्ण पक्ष है, तो इनमें भी जो श्राद्ध होता है तो इसमें भी श्राद्ध की जो प्रक्रिया है वो यही है कि जिस दिन जो है उस व्यक्ति विशेष का की मृत्यु हुई है उसी दिन उसका श्राद्ध किया जाता है। या तिथि यस्य मासस्य मृता हेतु प्रवर्तते सा तिथि पितृपक्षे तु पूजनीया प्रयत्नतः तिथिच्छेदो न कर्तव्यो विना शौचम यदृच्छया। ये शास्त्र कहता है कि जैसे हमारी 16 तिथियां होती प्रतिपद से लेकर के चतुर्दशी तक, ये 14 तिथि हो गई, और एक अमावस्या तिथि होती है और एक पूर्णिमा तिथि होती है, इसलिए पितृपक्ष भी ये 16 दिन का माना जाता है, पूर्णिमा से लेकर के और अमावस्या तक इसको इसकी मान्यता है, इसलिए और कुछ लोग जो है 17 दिन का भी मानते हैं, अर्थात आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपद को भी माता महाश्राद्ध के आधार पर उसको भी पितृपक्ष के रूप में लेते हैं, तो इस तरह से 17 दिन का भी एक पक्ष है और 16 दिन का एक पक्ष है,
प्रायः लोग 15 दिन के पक्ष में चलते हैं, परंतु 16 दिन का पक्ष माना जाता है, उसे संपूर्ण तिथियों का ग्राह्यता बन जाती है। तो वार्षिक श्राद्ध और पार्वण श्राद्ध, इसको पार्वण श्राद्ध कहते हैं, पर्व में होने वाला जो श्राद्ध है उसको पार्वण श्राद्ध कहते हैं। तो इन दोनों के विषय में अगर संयुक्त परिवार है और एक ही जगह पर रहते हैं तो वहाँ पर ज्येष्ठ के द्वारा संपन्न होना चाहिए ये दोनों श्राद्ध। किंतु अगर ऐसी स्थिति है कि सभी भाई अलग अलग क्षेत्र में रहते हैं तो पार्वण श्राद्ध का अधिकार प्रत्येक को है, प्रत्येक अब जो जहाँ पर है वहाँ पर वो पार्वण श्राद्ध कर सकता है, वर्जनीय नहीं है। वार्षिक श्राद्ध भी वो कर सकता है, क्योंकि जितने भी श्राद्ध का जो केवल सामान्य एक संयुक्त परिवार जहाँ पर है तो वहाँ पर ज्येष्ठ या कनिष्ठ उसका व्यवहार करेगा, और अगर वो दूर दूर है दूसरे जगह पर स्थित है तो प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है। उसका कारण यह है कि जो श्राद्ध है वो अपने लिए किया जाता है, अपने कल्याण के लिए। उसमें जो आप अगर करते हैं तो पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है, बड़ी सुंदर प्रक्रिया उसमें, और वो आशीर्वाद देते हैं। किस तरह का आशीर्वाद है उसमें एक थोड़ा सा दो तीन एक दो उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो या चितारश्च न संतु मा च याचिष्म कंचनो, अर्थात हमारे यहाँ लोग मांगने वाले हैं परंतु हमको किसी के यहाँ मांगने की आवश्यकता न हो, हमारे वंश का कभी भी उच्छेद न हो, आदि अनेक प्रकार के उसमें आशीर्वादों की परिकल्पना है, उसका शास्त्र के द्वारा उल्लेख है। वो सभी आशीर्वाद उस व्यक्ति विशेष को प्राप्त होते हैं जो श्राद्ध करता है। तो इसलिए श्राद्ध के अधिकारी सभी हो सकते हैं, विशेष करके वो जो है पार्वण श्राद्ध और जो है वार्षिक श्राद्ध के विषय में ऐसा नहीं है। परंतु अगर एक साथ सब कोई रह रहे हैं, एक ही परिवार के रूप में है, ऐसा भी है कि भोजन सबका अलग अलग बनता है पर रहते एक ही जगह है, तो ऐसी अवस्था में सब कोई मिल करके एक साथ श्राद्ध कर सकते हैं, जिसमें ज्येष्ठ पूरी संपूर्ण प्रक्रिया का निष्पादन करेगा और अन्य जो भ्राता हैं तो उसमें अपना तन मन धन का सहयोग करेंगे। तो ये एक सामाजिक स्थिति का एक स्वरूप बनता है। और एक प्रश्न और गुरु जी बन रहा है कि जैसे आधुनिक युग है, परंपराएं हैं, तो क्या दामाद को भी अधिकार होता है या नहीं? दामाद का अधिकार उस रूप में नहीं है, परंतु अगर उसमें जो अधिकारी की जहाँ पर चर्चा आई है तो वहाँ पर पुत्री का पुत्र वो श्राद्ध कर सकता है, जिसकी चर्चा हमने अभी पहले की थी। परंतु अगर ऐसी स्थिति है कि कोई व्यक्ति है उसका शरीर पूरा हो गया, उसको पुत्र भी नहीं है और दौहित्र भी नहीं है और उसका कोई भ्राता भी नहीं है, तो ऐसी अवस्था में, और न भतीजा कोई है, तो ऐसी अवस्था में जो है वो दामाद भी कर सकता है। और एक छोटा सा प्रश्न है, उसका उत्तर तो आपके लेक्चर में बहुत बड़ा है, कि जिसने जिनके लिए गया श्राद्ध वो हो चुके हैं तो क्या उनका करते रहना चाहिए कि उसके बाद नहीं करना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि इस विषय में हम लोगों का एक धर्म संसद का एक वीडियो है, वो प्रायः हर जगह वायरल हो रहा है और उसमें इन संपूर्ण विषयों का समाधान किया गया है शास्त्रीय आधार पर। शास्त्र में कहीं ऐसा उल्लेख नहीं है कि गया श्राद्ध करने के पश्चात और ब्रह्म कपाल में पिंडदान करने के पश्चात श्राद्ध या पिंड श्राद्ध और पिंडदान आदि नहीं करना चाहिए, जलदान नहीं करना चाहिए, उसकी फिर कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा शास्त्र में कहीं वर्जना नहीं। ये लोक में ऐसा एक प्रचलन है कि लोग सोचते हैं कि जब गया श्राद्ध हो गया और गया श्राद्ध होने के बाद वो स्वर्ग लोक को चले गए तो देवता बन गए और वो पितर रह ही नहीं गए, तो उनको पानी क्यों दिया जाए, और उसके साथ साथ कहीं अगर हमने जो है बद्री धाम में अगर ब्रह्म कपाल में पिंडदान किया तो सीधे उनको मोक्ष हो गया, तो ऐसी अवस्था में फिर पिंडदान करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनका पितृत्व ही समाप्त हो गया। तो जब पितर ही नहीं है तो फिर जलदान काहे का, पिंडदान काहे का, ऐसा एक प्रवाद बहुत लोगों में और बहुत क्षेत्रों में है, किंतु ये प्रवाद जो है अशास्त्रीय है, ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं है, क्योंकि हम
जो हमारे यहाँ जैसा उल्लेख है शास्त्र में, और जिस समय उस प्रक्रिया को संपन्न कराया जाता है श्राद्ध आदि की प्रक्रिया को, तो उसमें कहा जाता है अनेन जलदानेन अनेन पिंडदानेन अनेन श्राद्धेन पितृस्वरूपी भगवान जनार्दन प्रियताम नमोमो, इस शब्द का उच्चारण होता है। तो हम पितृस्वरूपी भगवान श्रीमन्नारायण को ही हम वो संपूर्ण प्रक्रिया का संपादन करके उन्हीं को समर्पित करते हैं। तो ऐसी अवस्था में तो जब उनका हमने गया श्राद्ध कर दिया, या उनका जो है गया श्राद्ध के अनंतर ब्रह्म कपाल में बद्री धाम में भी उनका पिंडदान कर दिया गया, तो हमारे यहाँ जो मोक्ष का स्वरूप है, मोक्ष स्वरूप में तो भगवान श्रीमन्नारायण के धाम में तदरूप होकर के वो विराज करते हैं, तो उस अवस्था में तो और पिंडदान आदि देना आवश्यक है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि अगर उसका गया श्राद्ध कर दिया गया, या उसका जो है ब्रह्म कपाल में गया श्राद्ध के अनंतर गए ब्रह्म कपाल में भी पिंडदान हो गया, तो उनके मुक्त अवस्था होने के बाद भी उनका पिंडदान और जलदान तद्वत पूर्वत उनका यावत जीवन करना चाहिए, ऐसा ही शास्त्र का विधान है। इसका कहीं भी कोई ऐसा प्रमाण किसी भी धर्मशास्त्र के ग्रंथ में नहीं है कि ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। तो गुरु जी बहुत ही स्पष्ट विश्लेषण आपने किया, जो जन सामान्य के लिए लाभप्रद होगा। आपने किसको अधिकार है और किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए उसका विस्तृत विश्लेषण किया, और ये अगर ज्ञान आप सबको अच्छा लग रहा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और सभी को धन्यवाद, और सबके पितर जो है उनको आशीर्वाद दें। थैंक यू ऑल।